दागदार नहीं है, वो तो कुछ भी कहेगा ना, वो तो देश को ही बर्बाद लोग कर दिया। आप जानते नहीं, आपको छिपा हुआ है, लोग देश ही बर्बाद कर दिया। लोग कहते हैं देहात में कि खिसियानी बिल्ली खामा नोचे, वही हाल है इन लोगों का। मिलते रहेंगे, जिम्मेदारी मिली है हम लोग कंधों पर, बिहार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। सब तो भाजपा वाले से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नमस्कार, मैं श्रुतिर, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। इस वक्त हम लोग डाबरी आवास के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे तमाम जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, तेजस्वी यादव के जो फरियाद लेके पहुँचे तेजस्वी यादव के पास, वो सब यहाँ पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ जो तमाम मंत्री है वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में जो जदयू कोटे से भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी बने हैं, वो भी इस वक्त तेजस्वी यादव से मिलने पहुँचे थे। और जब तेजस्वी यादव से मिलकर बाहर निकले तो मीडियाकर्मियों से बात के दौरान बहुत कुछ कहे और उन्होंने क्या बातें की अंदर, हालांकि वो बोलने से परहेज किए, उन्होंने क्या कुछ बातें कही तेजस्वी यादव से मिलकर जब भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी निकले, तो क्या कुछ बातें की मीडियाकर्मी से, वो आप खुद वीडियो में सुनिए। सर, तेजस्वी जी से मुलाकात मिले सर, औपचारिक बधाई देने आए थे तेजस्वी बनने के बाद, औपचारिक रूप से मुलाकात नहीं मिलती, औपचारिक सर। कोर्ट ने कानून मंत्री पर जो है वारंट इशू किया है, कैसे देखते हैं इसको? कोर्ट का काम है, वकील का काम है, वो तो जानते हैं। लेकिन ये भी भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि दागदार लोगों को मंत्री बनाया गया, उसके साथ नीतीश कुमार गए हैं, सब तो भाजपा वाले से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो आपने सुना कि कैसे जो भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी है वो बोल रहे हैं कि ये जो बीजेपी कर रही है उनसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उनसे और क्या उम्मीद रखी जा सकती है, जो भी हुई है अभी बिहार में सत्ता को लेकर, उसके बाद बीजेपी और क्या बोल सकती है, उन्होंने ऐसा कहा। अब इसके बाद शमीम अहमद भी यहाँ पहुँचे, जो गन्ना उद्योग मंत्री बने हैं, वो भी यहाँ राबड़ी आवास में पहुँचे थे तेजस्वी यादव से मिलने, और जब मिलने पहुँचे तो क्या कुछ बातें की उन्होंने मीडिया कर्मी से, आप खुद सुनिए। कार्तिक मास्टर है जो कल मंत्री बने, विधि मंत्री बने हैं, उनके जो आरोप लगा है कि वो कोर्ट में न जाके यहाँ शपथ ले रहे हैं। कोर्ट का मामला अलग होता है, उसको शपथ से कोई लेना देना नहीं रहता है। कोर्ट का कानूनी प्रक्रिया जो है जिसके ऊपर होगा वो अपना कोर्ट करेगा। अच्छा, कोर्ट करेगा, लेकिन आरोप लगा रहा है विपक्ष, कह रहा है 2005 के पहले वाली स्थिति आ गई है। और नहीं, बोलते हैं देहात में कि खिसियानी बिल्ली खामा नोचे, वही हाल है इन लोगों का। अच्छा, आप आए हैं तेजस्वी से मिलने, क्या कोई बात? चलते हैं, हम लोग तो लगातार अब मिलते रहेंगे, अब जिम्मेदारी मिली है हम लोग कंधों पर, बिहार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। लेकिन जिस तरह का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे इसमें? हम लोग सभी मामले का अच्छे से निभाएंगे उसको। नहीं, अब इतना गंभीर आरोप हो और कोर्ट में ना जाके शपथ ले रहा हो कोई? अच्छा ठीक है, पहले मैंने बता दिया कि ये तो कोर्ट का मामला है, जिसके ऊपर होगा वो कानूनी कार्रवाई चलेगी। अच्छा, कानूनी कार्रवाई चलेगी, तो आप ऐसे में विचार करेंगे? हमारे शीर्ष नेता लोग विचार करेंगे। अच्छा, विचार करेंगे, कार्रवाई हो सकती है। डिप्टी सीएम साहब को त्रिपुरा गठबंधन मिलके पूरे देश को बचाने जा रहा है। दूसरी जो आपसे सवाल कर रहे हैं, ये सवाल के बारे में पता कर लीजिए, कोर्ट से बरी है। ये जो लोग उठा रहा है गलत ढंग उठा रहा है, चूँकि आप भी जानते हैं ना, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब मिल के एक एक बिंदु पर उन्होंने चर्चा किया, बात किया, जो चीज़ें हैं जो आप अपने सामने रख रहे हैं, बकायदे हम देख रहे हैं आबिरा न्यूज पर, ये सब गलत है, आप उसमें पता कर लीजिएगा। इसमें बरी है, अच्छा, कोई क्या मतलब है इसमें अद्यतन इस कुछ नहीं है, बरी कोई मामला ही ऐसा नहीं है। अच्छा, मामला नहीं है, सरेंडर करने के जगह सरेंडर करने शपथ ग्रहण लेने पहुंच गए, कल सरेंडर करना था, कल कोर्ट से वारंट इशू हुए थे, लेकिन उन्होंने ओथ लेना पहुंचा था। क्या सरेंडर? कोर्ट का जो वारंट, तो कोर्ट में जाना था, कोर्ट नहीं जाना था, कुछ ही नहीं है, कौन आप लोग बता देता है भाई? अच्छा, लेकिन क्या 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 उसमें है? कुछ भी नहीं है, वो अफवाह है, ये अफवाह आप जांच करिए ना। अच्छा, ये सब अफवाहें की जाती है, जो नेता है कुछ लोग जलन लोग द्वेष लोग ऐसा होता है, जानते ही ना है, ये सब गलत है। अच्छा, गलत है ये, एक साफ तौर देखिए, ये जमा खान है स्पष्ट तौर पे कहा कि अफवाह है तमाम चीजें, तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे और बात देने गए, गो मुबारकबाद देने गए अपने डिप्टी सीएम साहब को। हम सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि देश के अंदर जो नुकसान हो रहा है, भाईचारा नुकसान हो रहा है, विकास अवरुद्ध किया गया है, जात धर्म की बातें चल रही है, उसको खात्मा करने के लिए हम लोग एकजुट होकर पूरे देश में चलेंगे। जमा जी, भाजपा ने तो ये स्पष्ट तौर पे कह रही है ना कि दागदारों को मंत्री बनाए हैं और वैसे लोगों के साथ सरकार चलेगी? कोई दागदार नहीं है, वो तो कुछ भी कहेगा ना, वो तो देश को ही बर्बाद लोग कर दिया। आप जानते नहीं, आपको छिपा हुआ है, लोग देश ही बर्बाद कर दिया। लोग देश कहाँ था, कहाँ चला गया? सिर्फ मंदिर मस्जिद इंसान पैसा ही लोग बात कर रहे हैं, विकास की बात लोग करता है? आप देख रहे हैं, इस बार देखिएगा
पूरी बहुमत से हम सबकी सरकार बनेगी, तो तमाम विपक्ष के लोग। लोगों को हराने की तैयारी 25 और 24 में आज कल जो है एनडीए की बैठक बुलाई गई दिल्ली में भाजपा की ओर से, जमानत जब्त हो जाएगी भैया? किस तरह से जमानत जब्त होगी? काम से काम को लेकर हमारे सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, ये लोग मिलकर, कांग्रेस के भाई लोग, मोहल्ले के मिलकर सारे लोग निर्णय लिया है कि हम लोग बिहार के साथ साथ पूरे देश में चलेंगे और मेहनत करेंगे। ये कहा जा रहा है बहुत दागी चेहरे हैं मंत्रिमंडल में और कहने से नहीं। मेरे भाई आप तो समझदार हैं, कहने से नहीं होता है। आप जाँच अगर कहने किसी से कोई कह देगा, हम इनको कह सकते हैं, हम नहीं कहेंगे, वो मेरा संस्कार नहीं है, ये गलत बात है, जलन है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं शमीम अहमद। मीडिया कर्मी से बात के दौरान जब वो तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे, तब उस वक्त उन्होंने बात की और क्या कुछ बातें कही आप देख सकते हो तम वीडियो में साफ तौर पे। और यहां पे तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं तेजस्वी यादव से बातें करने, तेजस्वी यादव से मिलकर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि जो जदयू कोटे के मंत्री है वो भी यहां पे तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं और लगातार तेजस्वी यादव से बातें मुलाकातें करके जो भी मंत्री है वो निकल रहे हैं और यहाँ पे फरियादी भी पहुंच रहे हैं। तो इस खबर के आने आप क्या सोचते हैं? कमेंट करें, वीडियो यूट्यूब पर देखें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज को लाइक करें। धन्यवाद।